हेलो गाइस, वेलकम टू रियल का पैक्स। एंड कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। एंड आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति ब्रेजा एंड किया सोनेट को। तो आज हम इन दोनों कारों को कंपेयर करेंगे इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे, इनकी माइलेज के बेसिस पे, इनकी सेफ्टी के बेसिस पे, जो सर्विस कॉस्ट इन दोनों कारों में आती है उसके बेसिस पे, जो सर्विस एक्सपीरियंस यूजर का रहता है उसके बेसिस पे, एंड इन दोनों कारों की रिलायबिलिटी के बेसिस पे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों कारों की परफॉर्मेंस की। तो बात करें दोनों कारों की परफॉर्मेंस की, बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इन दोनों कारों में क्या क्या इंजन ऑप्शन आपको मिलते हैं। बात करें मारुति ब्रेजा की, तो मारुति ब्रेजा आपको पेट्रोल एंड सीएनजी फ्यूल ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें आपको 1.4 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। एंड वहीं बात करें किया सोनेट की, तो किया सोनेट में आपको इंजन ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं गाइस। इसमें आपको टर्बो इंजन मिल जाएगा, इसमें आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाएगा, प्लस इसमें आपको डीजल एंड पेट्रोल फ्यूल ऑप्शन भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो परफॉर्मेंस है इनके इंजन ऑप्शन के अकॉर्डिंग वेरी करती है। बट आज की वीडियो में हम इनके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की बात करने वाले हैं, यानी कि हम बात करेंगे मारुति ब्रेजा के 1.4 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की, एंड बात करेंगे किया सोनेट के 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की। तो गाइस, अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस की बात करूं, तो कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है वो इनका इंजन, आप देखोगे साइज, तो ब्रेजा में आपको 1.4 लीटर मिल रहा है एंड किया सोनेट में आपको 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आप साइज डिफरेंस देख रहे हो ना दोनों के इंजन से, तो उसी के बेसिस पे जो इनकी परफॉर्मेंस है उसमें भी आपको इंजन डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो गाइस, बात करें दोनों कारों के इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो जो किया सोनेट का 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो 81 bhp की पावर और 139 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। वहीं बात करूं आपके मारुति ब्रेजा की, तो मारुति ब्रेजा का इंजन आपको 101 bhp की पावर और 136 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो जो आप ये डिफरेंस देख रहे हो ऑन पेपर, ये आपको रियलिटी में भी देखने को मिलेगा। एंड रियल लाइफ में भी जो मारुति ब्रेजा का जो इंजन है ना, वो आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिव दिखाई देगा, वो ज्यादा आपको पैपी दिखाई देगा कंपेयर टू किया सोनेट। जो मारुति ब्रेजा का 1.4 लीटर इंजन है वो आपको कहीं ना एक एक्स्ट्रा पावर देगा, सिटी में भी, हाईवे में भी और हिल्स में भी। तो वहीं बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो दोनों के नेचुरल स्पिरिटेड इंजन में जो ब्रेजा का इंजन है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है आपके सिटी, हाईवे एंड हिल्स कंडीशन पे। तो ये तो रही बात दोनों कारों के नेचुरल स्पिरिटेड इंजन की परफॉर्मेंस की, बट जो किया सोनेट के पास एडवांटेज है, किया सोनेट के पास एडवांटेज ये है कि उसमें आपको इंजन ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं। अगर आपको ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसके टर्बो वेरिएंट में जा सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें डीजल का ऑप्शन भी है, तो जिन लोगों को पावर की रिक्वायरमेंट है वो इसके टर्बो और डीजल ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। एंड इसका जो टर्बो इंजन है और जो डीजल इंजन है वो काफी अच्छा पावरफुल इंजन है। उसमें आपको जो पावर आपको इसके नेचुरल स्पिरिटेड इंजन में मिसिंग दिख रही थी वो इसके टर्बो एंड डीजल इंजन में आपको मिल जाएगी। तो बात कर, बट यहाँ पे जो बात चल रही है वो सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की चल रही है। तो इस केस में मारुति ब्रेजा का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन कहीं ना कहीं 1.2 लीटर किया सोनेट के नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से ज्यादा बेटर है। ये तो बात रही इन दोनों कारों के परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं दोनों कारों में मिलने वाली सेफ्टी की। तो गाइस, बात करें सेफ्टी की, तो आजकल के टाइम में कहीं ना कहीं लोग ज्यादा अवेयर होने लगे हैं सेफ्टी को लेके। एंड बात करें इन दोनों कारों की सेफ्टी की, तो मारुति ब्रेजा, वी ऑल नो दैट कि मारुति ब्रेजा मारुति की तरफ से आने वाली वन ऑफ द सेफेस्ट कारों में से एक है, बिकॉज ये 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। वहीं बात करें किया सोनेट की, किया सोनेट, वी ऑल नो किया सोनेट की क्या सेफ्टी रेटिंग रही है। किया सोनेट में आपको 3-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिलती है। एंड बात करूं अगर रियल लाइफ में इन दोनों कारों की बिल्ड क्वालिटी की, तो कहीं ना कहीं आपको मारुति ब्रेजा की बिल्ड क्वालिटी ना किया सोनेट से ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। वहीं बात करें किया सोनेट में बहुत सारे एडवांस फीचर्स आपको मिल गए हैं सेफ्टी रिलेटेड, जो कि अभी ब्रेजा में मिस है। बट कहीं ना कहीं मैं हमेशा से बात करता हूँ कि जो बिल्ड क्वालिटी, जो स्ट्रक्चर क्वालिटी है वो आप फीचर्स के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं जो एज है वो भी अभी भी मारुति ब्रेजा के पास है। एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई कार कंसिडर करना चाहते हो तो आपको मारुति ब्रेजा ज़्यादा सेफ नज़र आएगी किया सोनेट के। तो गाइस, ये तो बात रही दोनों कारों की सेफ्टी की। अब बात करते हैं दोनों कारों में मिलने वाली माइलेज की। तो माइलेज की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं जैसे कि वी ऑल नो दैट मारुति से अब जो उसका माइल हाइब्रिड वाला ऑप्शन था वो हट चुका है इनके लोअर वेरिएंट से, बट मारुति ने दोबारा से इसको इंट्रोड्यूस किया है, बट फिर भी ये अभी लोअर वेरिएंट्स में नहीं आ रहा। तो अगर आप बेस मॉडल वगैरह देख रहे हो तो उस केस में आपको माइल हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं मिलने वाला, बट माइल हाइब्रिड से ज़्यादा डिफरेंसेज नहीं आ रहे हैं एवरेज में। आपको मैक्सिमम 2 kmpl का डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर आपके कार एक माइल हाइब्रिड है तो। अदरवाइज उसके बावजूद जो मारुति ब्रेजा है
वो माइलेज के टर्म्स में किया सोनेट से ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वो किया सोनेट से ज़्यादा बेटर माइलेज आपको निकाल के देती है। बात करें दोनों कारों की सिटी माइलेज की, तो मारुति ब्रेज़ा आपको सिटी में इना लाइक गुड ट्रैफिक कंडीशन, इना लाइक जैसे कि मेट्रो सिटीज़ की ट्रैफिक कंडीशन रहती है, उस कंडीशन में भी आपको ये कार 14 टू 15 की माइलेज निकाल के दे देती है, डिपेंड आप इस कार को किस तरीके से चला रहे हैं। वहीं बात करी जाए किया सोनेट की, तो किया सोनेट की सिटी माइलेज, अगर मैं रियल लाइफ माइलेज आपको बताऊं, तो वो कहीं ना कहीं इन बिटवीन 12 टू 14 के आसपास है। एंड वहीं बात करें दोनों कारों की हाईवे माइलेज की, तो हाईवे में दोनों कार एक अच्छा माइलेज निकाल के देती है। बाइक की जाए हाईवे माइलेज मारुति ब्रेज़ा की, तो मारुति ब्रेज़ा हाईवे में आपको 19 से 20 के आसपास की माइलेज निकाल के दे देती है। माइल्ड हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल विदाउट माइल्ड हाइब्रिड की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। विद माइल्ड हाइब्रिड ऑप्शन आपको ये थोड़ा बहुत माइलेज में डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करें किया सोनेट की, तो किया सोनेट भी हाईवे में आपको 17 टू 18 के बीच में माइलेज आराम से निकाल के दे देती है। हो सकता है माइलेज फिगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, डिपेंड अपॉन योर ड्राइविंग हैबिट, आप किस तरीके से कार चलाते हैं, बट इस तरह की माइलेज आपको दोनों कारों में देखने को मिलेगी। माइलेज प्रॉस्पेक्ट से देखा जाए तो दोनों कारों में आपको हार्डली 2 से 3 किलोमीटर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो गाइस अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, एंड बात करते हैं दोनों कारों की आफ्टर सेल सर्विसेज की। तो गाइस बात करें दोनों कारों की आफ्टर सेल सर्विसेज की, तो वी ऑल नो दैट मारुति का जो नेटवर्क है वो इस देश के कोने कोने में आपको मारुति का नेटवर्क मिल जाएगा। तो जो आफ्टर सेल सर्विस का एक्सपीरियंस है मारुति के साथ वो बहुत अच्छा है, बिकॉज इनके जो सर्विसेज है वो आपको हर जगह मिलती है। बात करें किया की, तो किया का आफ्टर सेल सर्विसेज नेटवर्क भी काफी अच्छा है, एंड किया के जो मैं बताऊंगा जो यूजर फीडबैक, जो कस्टमर फीडबैक रहा है आफ्टर सेल सर्विसेज के मामले में, वो भी बहुत अच्छा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों कारों की आफ्टर सेल सर्विसेज काफी सिमिलर है, बट एक थोड़ा सा एज मारुति के पास जाता है बिकॉज ऑफ इट्स नेटवर्क, क्योंकि इनका नेटवर्क ही इतना स्ट्रांग है, आपको हर देश के हर कोने में इनका एक कहीं ना कहीं इनका सर्विस सेंटर्स मिल जाता है। एंड सर्विस सेंटर्स तो छोड़ो, इसके जो मारुति की कार्स होती है ना, वो इसको आपका एक लोकल मैकेनिक भी आराम से सर्विस कर सकता है। तो ये जो चीज़ है ये आपको मारुति में देखने को मिलेगी, बट किया का भी सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है। एंड दोनों कारें मेरे हिसाब से सर्विस आफ्टर सेल सर्विसेज के मामले में दोनों कारें बहुत अच्छी हैं, एंड कहीं ना कहीं कहीं भी यूज़र को आफ्टर सेल सर्विसेज को लेकर दिक्कत नहीं आने वाली दोनों ही ब्रांड्स में। तो गाइज अब बात करते हैं दोनों कारों की सर्विस कॉस्ट। तो गाइज बात करें दोनों कारों की सर्विस कॉस्ट की, तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सर्विस कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए किसी भी कार की तरफ जाने से पहले। तो जो सर्विस कॉस्ट वाला जो फैक्टर है ना, वो मारुति के साथ बहुत पेट बैठता है, बिकॉज मारुति की जो सर्विसेज है ना, वो कहीं ना कहीं कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड्स आपको सस्ती पड़ती है। मारुति में आपको जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत चीप पड़ेगा कंपेयर टू एनी अदर ब्रांड्स। आप किया छोड़ो, आप और भी ब्रांड्स लेके आओगे तो उसके कंपेयर में भी मारुति की जो सर्विसेज है वो थोड़ी चीप पड़ती है। बात करें किया की तरफ, तो किया सोनेट की जो आपको सर्विस कॉस्ट है वो कंपेयर टू मारुति थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। किया के पार्ट्स भी थोड़े एक्सपेंसिव आपको आएंगे, एंड जिस हिसाब से फीचर्स किया की गाड़ी में आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है कंपेयर करें अगर उसको मारुति ब्रेज़ा के साथ। तो ये एक टर्म है जहाँ पे आपको सर्विस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी अगर आप किया की तरफ जाते हैं। इस बात करें दोनों कारों में मिलने वाले फीचर्स की, तो यहाँ पे जो किया सोनेट है ना वो बाजी मारती है, एंड किया सोनेट मारुति ब्रेज़ा से फीचर्स के मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो अगर आप एक फीचर लवर्स और आपको चाहिए अपनी कार में बहुत सारे फीचर्स, तो उस केस में किया सोनेट आपको वो सब डिलीवर करती है। किया सोनेट में जो फीचर्स मिल रहे हैं वो मारुति ब्रेज़ा में मिसिंग है। तो अगर आप चाहते हो एक फीचर्स वाली कार जिसमें आपको फुली फीचर्स मिले, तो उस केस में आपको किया सोनेट की तरफ जाना चाहिए। गाइस अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है दोनों कारों की रिलायबिलिटी की। सो गाइस बात करें रिलायबिलिटी की, तो इंडियन कंज्यूमर को रिलायबिलिटी सुनते ही सबसे पहले जो ब्रांड याद आता है वो आता है मारुति। तो मारुति की जो रिलायबिलिटी वाला जो चीज़ है ना, वो मारुति के साथ शुरू से रहा है। वी ऑल नो कि मारुति का इंजन कितना रिलायबल है। इन लॉन्ग टर्म्स मारुति के इंजन को आप 15 साल चलाओ, 16 साल चलाओ, 20 साल चलाओ, मारुति के इंजन में रिलायबिलिटी के मामले में शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। वहीं बात करें किया की, तो जिस हिसाब से मैंने मारुति की तारीफ करी, आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि किया की इंजन में भी कोई रिलायबिलिटी इशू है। वी ऑल नो दैट जो किया है वो हुंडई की सिस्टर कंपनी है, एंड दोनों सेम इंजन शेयर करती है। तो रिलायबिलिटी के मामले में किया का इंजन भी काफ़ी रिलायबल है, एंड आप किया के इंजन को भी इजीली आप 10-15 साल आराम से चला सकते हो। तो रिलायबिलिटी वाले फैक्टर में मैं दोनों कारों को बराबर रेट करता हूँ।
एंड दोनों ही कारों का इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल है, तो रिलायबिलिटी वाले पॉइंट में किसी को एक्स्ट्रा पॉइंट मैं नहीं दे सकता। दोनों का कारों का इंजन बहुत ज़्यादा रिलायबल है, और अगर आपको एक रिलायबल कार चाहिए तो दोनों कारों में से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है इन दोनों कारों के बारे में, कंपेयर किया इन दोनों कारों को। आई होप आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा, और आपके अगर माइंड में कोई भी क्वेश्चन है दोनों कार से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, और आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकॉज ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।